फिक्स मोबाइल एंड कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास फ़ोन आया हुआ है, जब भी हम स्क्रीन ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइज शो हो रहा है। तो यहाँ पे बंद कर देते हैं हम, वापस कोई एप्लीकेशन चालू करते हैं, बंद कर देते हैं स्क्रीन, वापस चालू करते हैं और कोई और एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो इस तरह की एडवर्टाइज शो हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइज आ गई। उसका सॉल्यूशन मैं आपको आज बताने वाला हूँ, आप कोई भी फ़ोन में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद कनेक्शन एंड शेयरिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद प्राइवेट डीएनएस पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे dns.edgar.com। ये ऐड करके सेव कर लेना है। एडल्ट वेबसाइट और एडवर्टाइज से परेशान हैं तो नीचे डीएनएस सर्वर है, उसको ऐड करेंगे तो आपके मोबाइल में से एडल्ट एडवर्टाइज और वेबसाइट ओपन नहीं होगी। जब भी आप अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं तो ये एडवर्टाइज या तो वेबसाइट परेशान करती है, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे हम वापस एप्लीकेशन ओपन करते हैं और ट्राई करते हैं, फ़ोन बंद करते हैं, चालू करते हैं। अब वापस हम कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, यहाँ पे एडवर्टाइज आई है। कोई बात नहीं, एक बार आप रिस्टार्ट कर दें फ़ोन, उसके बाद ट्राई करें। फ़ोन चालू हो गया है, अब कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन करके ट्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइज बंद हो गई है। वापस हम फ़ोन स्क्रीन बंद करके चालू करते हैं और ट्राई करते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइज बंद हो गई है। वापस अब दूसरी एप्लीकेशन चालू करके ट्राई करते हैं। यहाँ पे फेसबुक ओपन करके ट्राई करते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी के लिए हमने ये दो लोगो लगाए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस तरह आप अपने फ़ोन में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।